हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। ये हमने चार कली वाला बनाया है। इससे पहले हमने छह कली का बना के दिखाया था, एक एक कली यहाँ पर थी और ये हमने चार कली में बनाया। तो ये हमने किस तरह से बनाया है वो बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर का बनाएंगे। आपको जो कलर पसंद हो उससे बना सकते हैं। मैंने रेड और ग्रीन का ये बनाया हुआ है। ये मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी आपको डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तोरण पट्टी हमने बना ली है। स्टार्टिंग में फोर चेन लेंगे, 2 3 4। फोर चेन लेके इसके ऊपर फोर चेन और लेंगे और यहाँ पर हम हाथ रखेंगे इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए यहाँ चार ख़त्म हो गए। 1 2 3 4। अब हम इस ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे और ये फोर चेन हमारी हाथ के नीचे जो है पीछे है, और ये फोर स्टार्ट किया था इसमें डाल लेंगे। ऊपर वाले के लिए जो फोर का पहला स्टार्ट किया था इसमें डाल लें, और ये ट्रिपल क्रोशिया हम बना के और ये वाला बॉक्स बना लें। वापिस फोर चेन लेंगे, 3 4। फिर दबा लेंगे इसको यहाँ पे, 1 2 3 4। ट्रिपल क्रोशिया और वापिस से यहाँ पर डाल लेंगे, जिससे हमें अंदाज रहेगा कि यहाँ पर हमारे चार ख़त्म हो गए और अब यहाँ पे हमें डालना है। तो इस तरह से हमें ये तोरण जितना लंबा चाहिए वो डिज़ाइन बना लेना है। ये एक में चार चेन होंगी और एक में ये बॉक्स होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से जितना चाहिए उतना हम तोरण चाहिए उतना बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये इतना बना लिया है। जब ये हमारा लास्ट वाला बॉक्स बन जाए तो हम चार चेन लेंगे ऊपर। ये हमने इतना बनाना है तो ये हमारा लास्ट है, तो चार चेन ले लेंगे ऊपर, 2 3 4। अब हम ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे और इस बॉक्स में डाल लेंगे। इसमें हम 3 टाइम बनाएंगे क्योंकि एक हमारी चेन है, तो 4 टाइम हो जाएगा हमारा, 4 टाइम हो जाएगा। हर एक जो कली हमने बनाई है वो 4 टाइम बनाई है, और इसके जो ये वाले हैं ये हमें कंटिन्यू रखने हैं। ये 3 हो गए। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी बॉक्स में एक बार और डाल लेंगे तो 2 कलियाँ हमारी बन जाएंगी। अब 4 बार बना लेंगे, तो ये 2 हम रखेंगे धागे और 3 बार और बना लेंगे। टोटल क्रोशे पे 5 धागे होने चाहिए। स्टार्टिंग वाले में 4 होंगे क्योंकि चेन ली थी हमने, इसलिए वो स्टार्टिंग थी तो 4 थे। अभी हमारे पास 5 होने चाहिए हर एक कली के लिए, 5 होने चाहिए। और अब हम इसके बीच में से निकाल लें, एक चेन लेंगे, एक चेन लेके और नेक्स्ट बॉक्स ये 4 छोड़ देंगे, ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे और फिर इस वाले बॉक्स में डाल लेंगे। इस तरह से हमें ये कलियां बनानी है इसकी। ये हमने 6 पेटल्स वाला बनाया था, थोड़ा सा ये अलग है। पेटल्स वैसे ही बनाई हुई है हमने, ये 2 छोड़ रखे हैं। चार हो गए हमारे धागे इस पे क्रोशिए पे, और नीचे ये हमारा 4 टाइम बन गए और ऊपर धागे 5 हो गए।
अब बीच में हम तीन चेन लेंगे, एक ले ली, दो और तीन, और जब हम जोड़ेंगे नेक्स्ट बॉक्स में तो एक चेन लेके जोड़ेंगे। दो रखेंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में जोड़ेंगे, फिर यहाँ से इसमें तो एक ही चेन लेंगे। बीच के चार हमारी चेन है बनाई है हमने, वो हमें छोड़ देनी है। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारी कलियाँ बन जाएंगी, पूरा बना लेंगे हम। ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया है, ये दो दो कलियाँ हमारी बन गई हैं। अब ये लास्ट का हमने जो बनाया है, इसके बाद हमें फोर चेन लेनी है। एक हमने ले ली, तीन और ले लेंगे, दो तीन, और फिर जो ये हमने स्टार्टिंग की थी इसमें हम जोड़ देंगे इसे इस तरह से। अब हम फोर चेन वापस लेंगे, टू थ्री फोर, और ट्रिपल क्रोशिए का धागा लेंगे इसके ऊपर। और ये वाला जो बॉक्स है जिसमें दो कली बन गई है, इसमें वापस से बनाना शुरू करेंगे। दो कलियाँ हमारी पहले ही बना ली हमने, अभी हमें दो और बनानी है। ये दूसरा राउंड घूम के जा रहे हैं, इधर से आए इधर घूमना है, तो इसमें हमें दो कलियाँ बनानी है इस राउंड में भी। तो हमारी चार कलियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखिए ये हमारी स्टार्टिंग में स्पेस हो जाएगा, एक कली बन गई हमारी इधर की। दो तीन चेन लेंगे, सेम बनाना है इधर बनाए वैसे ही, इस बॉक्स में ही डाल लेंगे। एक दो तीन, चार बार बनाना है हमें ट्रिपल क्रोशिया, पूरे में ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगा। लास्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया में बनाना है हमें। चार बार बनाए, पांच धागे क्रोशिए भी होने चाहिए। अब एक चेन और नेक्स्ट बॉक्स में चार चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले, इस तरह से हमें अपना ये डिजाइन बनाना है। इस तरह से पेटल्स तैयार करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमारी सारी पेटल्स बन जाएंगी, चार इसमें चार नेक्स्ट बॉक्स में चार इस तरह से। इसके बाद हम ये कलर चेंज करेंगे साइडों में। देखिए हमने इस तरह से डिजाइन बना लेना है। अब हमें यहाँ पर एट चेन लेनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस तरह से फोल्ड भी होगा, ऐसे भी आएगा और यहाँ भी, तो टोटल हम एट चेन ले लेंगे। एक हो गई, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो ये हमें यूं फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है। इसी तरह हम दूसरी साइड के लिए भी आठ चेन ले लेंगे। ये देखिए ये फोल्ड ऐसे इस तरह से, फिर ये इसके बराबर आ जाएगा। इधर भी एट चेन ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन पूरा हो जाएगा। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसकी फिनिशिंग के लिए कलर चेंज करेंगे। अब तो इसके लिए हम ब्लू कलर लगाएंगे, ब्लू कलर जोड़ लेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है फिनिशिंग के लिए। स्टार्टिंग में हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे में। हाफ डबल क्रोशिया से फिनिशिंग होगी इसकी। इस तरह से बना लेंगे।
पूरे में आप डबल क्रोशिया बनाएंगे चारों तरफ इसके। अब ये जो कली आई है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बना लेंगे, और जो ये वाला गैप है हमारा, इसमें हमें आप जो तीन चेन हमने ली थी दो पेटल्स के बीच में, दोनों कलियों के बीच में तीन वाली चेन है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो जहाँ पर कली आएगी वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे, और जहाँ पर एक चेन वाला गैप है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए हमारे तीन चेन वाले, ये स्लिप स्टिच ले लेंगे यहाँ कली के ऊपर। और ये जो हमने एक चेन का गैप लेके नेक्स्ट बॉक्स में डाला था वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। और ये पेटल आ गई तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच लेंगे, और ये नेक्स्ट थ्री चेन वाले में हम वापस हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें ये पूरा डिज़ाइन बना लेना है। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार है बनके। इस तरह से हमें ये चार कली वाला डिज़ाइन बनाना है। ये हमने थोड़ा सा बना के दिखाया है आपको, हमने ये बना रखा है बॉर्डर पूरा, इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे बाद में। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।